आखिरी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हार के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी को निशाना बनाया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली मोहम्मद शमी के समर्थन में सामने आए। उन्होंने उन लोगों की निंदा की जिन्होंने धर्म की वजह से शमी को ट्रोल किया था। इन सब के बीच ट्विटर हैंडल @cricketcrazygirl ने विराट कोहली की बेटी को रेप की धमकी दी। फिलहाल ये ट्विटर हैंडल डिलीट हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये ट्विटर हैंडल एक पाकिस्तानी बोट अकाउंट था। इस दावे की जांच करने के लिए ऑल्ट न्यूज ने सबसे पहले इस हैंडल के ट्वीट्स के आर्काइव लिंक्स चेक किए। वेबैक मशीन पर हमें इस अकाउंट का एक ट्वीट मिला, इससे हमें पेज का सोर्स कोड देखा और हमें हैंडल की यूनिक ट्विटर आईडी मिली। व्यूअर्स गौर करें कि ट्विटर पॉलिसी यूजर्स को अपना यूजर नेम बदलने की अनुमति तो देती है, लेकिन यूजर नेम बदलने के बाद भी न्यूमेरिक आईडी या यूनिक आईडी वही रहती है। हमने ट्विटर पर इस हैंडल के रिप्लाईज ढूंढे। ऑल्ट न्यूज को कुछ ऐसे ट्वीट्स मिले जो दूसरे ट्विटर हैंडल पर रिडायरेक्ट हो रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये दोनों अकाउंट्स एक ही हैं, लेकिन उनका यूजर नेम बदल दिया गया है। आगे वेबैक मशीन पर इस दूसरे हैंडल के आर्काइव ट्वीट्स ढूंढने के लिए हमने यही प्रोसेस फॉलो की और सोर्स कोड पेज पर यूनिक ट्विटर आईडी की तलाश की। हमने पाया कि इन दोनों ट्विटर हैंडल्स के यूनिक आईडी एक ही है। हमें उन ट्वीट्स के आर्काइव लिंक भी मिले जिनमें ये दूसरा हैंडल निफ्टी पर ट्रेडिंग करने की बात कर रहा है। निफ्टी एक भारतीय स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। इस अकाउंट से ज़ेरोधा का एक ईमेल भी शेयर किया गया था जो एक भारतीय फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। गौरतलब है कि हालिया यूजर नेम @cricketcrazygirl से तेलुगु ट्वीट्स को रीट्वीट किया गया था। इस बात से भी ये पता चलता है कि ये एक भारतीय ट्विटर अकाउंट है। ऑल्ट न्यूज को मालूम चला कि इस अकाउंट का सबसे पुराना हैंडल नेम एक तेलुगु शब्द था। इस हैंडल को दिए गए एक जवाब से पता चलता है कि इसे चलाने वाला व्यक्ति हैदराबाद का हो सकता है। वेबैक मशीन से ये भी पता चलता है कि इस हैंडल से ऑप इंडिया, इसके सीईओ राहुल रोशन और भाजपा समर्थक अकाउंट्स के ट्वीट्स को रीट्वीट किया गया था। इस यूजर ने मुस्लिम विरोधी ट्वीट, हिंदुओं पर किए गए ट्वीट्स और बीजेपी समर्थक ट्वीट्स को भी रीट्वीट किया था। आर्यन खान के केस के बारे में अशोक श्रीवास्तव द्वारा किए गए एक ट्वीट को भी इस यूजर ने रीट्वीट किया था। इन सब के आधार पर ये कहा जा सकता है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी को निशाना बनाकर आपत्तिजनक ट्वीट करने वाला अकाउंट पाकिस्तानी बोट अकाउंट नहीं, लेकिन एक भारतीय ट्विटर यूजर है।